व्यूअर्स, मैं आपकी शेफ एसएनजे आज आपके लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत इजी और आसानी से तैयार हो जाती है। हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमको इसके लिए चाहिए चीनी, शुगर, और ये हम एक अंडे में 2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 2 अंडे हैं तो इसका मतलब हम 4 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। चंद कतरे वनीला एसेंस। अंडे हम 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/8 कप हम। जी नाज़रीन, चलें चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। अब हम में जाहिर सी बात है, ज़रा फ्लैट बर्तन लीजिए ताकि हम ब्रेड अच्छी तरह डिप कर सकें। सबसे पहले हम अंडे लेंगे, कोशिश करें कि अंडे जो हैं आप अलग बाउल में तोड़ें। चीनी शामिल करेंगे, जी चंद कतरे वनीला एसेंस के डालेंगे, और अब हम इसको जब ये थोड़े से बीट हो जाएंगे तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये देखिए मैंने पूरा 1/8 कप जो है दूध शामिल कर दिया इसमें। थोड़ा सा हमको बीट करना होगा ताकि हमारी शुगर जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी नाजरीन, चलते हैं कुकिंग की तरफ। अब हमने अपना पैन गरम कर लिया है और उसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। उसके बाद हमने एक स्लाइस लेके और उसको हमने जो अंडे का बैटर बनाया था उसमें डिप कर रहे हैं। हमारा ऑयल गरम हो चुका है और अब हम उसमें इसको, ये देखिए बहुत तेज़ ऑयल भी नहीं होना चाहिए, एकदम अंडा जल जाता है। और अगर आपका ऑयल बिल्कुल ठंडा है तो अंडा बिल्कुल कच्चा सा रह जाता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको मीडियम आंच पे कुकिंग करेंगे ताकि इसकी कुकिंग अच्छी तरह हो सके अंदर तक। ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लिया तो हमारे जो स्लाइस हैं ब्रेड के वो ऑयल पी जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए हल्का हल्का आप इसको टच करके देखें, ये अपनी तरफ से मूव होने लगा तो इसका मतलब है अंडे की कुकिंग हो चुकी है और बहुत अच्छा सा अरोमा आ रहा है वनीला एसेंस का। और ये देखिए, ये अब हम इसको, ये देखिए यहाँ से लाइट लाइट गोल्डन नज़र आने लगा है तो अब हम इसे फ्लैप करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत, और मैं इसको कि क्या तारीफ़ करूँ, खूबसूरत और प्यारा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चेक करते रहें, ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हैं कि उधर से कुकिंग नहीं हो रही और वो जो है वहाँ से जल जाए। आज बहुत तेज़ मत रखें, अगर आपने आज तेज़ रखी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जी नाजरीन, ये देखिए ये हमारा
इधर से भी कुक हो गया है देखिए। और अब हम इसको प्लेट में, जी नाजरीन ये देखिए मैंने वन बाय वन करके ये चारों स्लाइस, ये चौथा स्लाइस में कर रही हूँ। और ये बहुत यम्मी सा होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। आप उन्हें लंच बॉक्स में दे सकती हैं। नॉर्मली बच्चे अंडे नहीं खाते हैं, बहुत मुंह बनाते हैं, तो ये चीज़ ऐसी है जो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। आप इसके लिए इसकी स्लाइस की डिफरेंट शेप्स भी काट सकते हैं, बच्चे राउंड शेप में, या ये देखिए नाज़रीन किस कदर खूबसूरत फ्राई हुआ है। और हाँ जी, मैं बता रही थी कि इसको आप डिफरेंट शेप्स में भी काट सकते हैं, राउंड शेप्स में, हार्ट शेप में, और आप उस शेप में भी उसको फ्राई कर सकते हैं। यूजुअली बच्चे शक्ल देख के खाते हैं, और हम जो हैं क्योंकि आपको पता है खाना जो है खाने से पहले नज़रें खाती हैं, तो जाहिर सी बात है आप जब बच्चों को इस तरह देंगे तो वो बहुत शौक से। जी नाज़रीन आपके फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। इजी रेसिपी है, आप बच्चों को खिलाएं, अच्छी सी प्रेजेंटेशन दें, इसके ऊपर विप क्रीम भी डाल दें, बच्चे विप क्रीम बहुत शौक से खाते हैं। आप उसके साथ सर्व करें, लंच बॉक्स में रख सकती हैं बच्चों के साथ में, दूध के साथ उनको खिलाएं, बच्चे शौक से खाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।